हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर एट लेक्चर नंबर 13 ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। बच्चों, लेक्चर नंबर 13 में मैं सीक्वेंस सीरीज के सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की बात करने वाला हूँ। सीक्वेंस सीरीज के पूरे एलजेब्रा के सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की बात करने वाला हूँ कि एएम, जीएम एंड एचएम में आखिर हमारे पास क्या रिलेशन होता है। व्हाट इज द इनइक्वालिटी बिटवीन एएम, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि भाई दो हमारे पास नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं ए और बी, तो ए और बी नंबर अगर पॉजिटिव हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या था, ए प्लस बी बाई टू। ठीक, उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या था, रूट ए बी, और उनका हार्मोनिक मीन क्या था, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक, ये तीन चीज हमने वहां पे देखी थी। अब यहां पे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में एक रिलेशन निकल के क्या आया था, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच। ठीक, एक रिलेशन ये तो होता ही होता है सिर्फ दो नंबर के लिए। ठीक, लेकिन इनमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में एक और रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। और ये इनइक्वालिटी एलजेब्रा का ब्रह्मास्त्र है। क्या है ब्रह्मास्त्र, कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। व्हेन दिस इक्वालिटी विल होल्ड, दिस इक्वालिटी मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कब इक्वल होंगे, तो इक्वालिटी विल होल्ड व्हेन ए इज इक्वल टू बी। इक्वालिटी विल होल्ड, तो इफ ए इज इक्वल टू बी तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो इक्वलिटी कहाँ होल्ड करती है, जब वो नंबर जिन नंबर पे हम एम जी एम लगा रहे हैं वो हमारे पास कैसे हैं, इक्वल है। तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ठीक, अब इसे हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, भाई मान लो इसे हमें प्रूफ करने को आ जाए, तो इसका प्रूफ छोटा सा ये दे सकते हैं कि रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा। जीरो कब होगा, जब ए बी के बराबर होगा, यस और नो। अब रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा। इसको हमने खोला, ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी इधर रखा, टू से डिवाइड कर दिया, रूट ए बी को उधर ले गए, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। तो ए प्लस बी बाई टू क्या है, अर्थमेटिक मीन, रूट ए बी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन से हमारे पास क्या आ गया, बड़ा आ गया, यस और नो। अब ऐसा करते हैं, इसमें हमें अगर हार्मोनिक मीन वाला शुरू करना है, ए प्लस बी को इधर ले जाओ और रूट ए बी से मल्टीप्लाई कर दो। तो रूट ए बी से मल्टीप्लाई करा, रूट ए बी इधर आ गया, यहाँ क्या हो गया, ए बी, और ए प्लस बी को मैं इधर ले गया और टू से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नीचे वाला टू गायब हो जाएगा और यहाँ टू आ जाएगा, सही बात। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, और ये क्या है, हार्मोनिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, और ज्योमेट्रिक मीन किससे बड़ा होता है, हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। अब ये जो इनइक्वालिटी है भाई, ये जो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच है, ये दो नंबर के लिए वैलिड है, ठीक। लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, दिस इज जस्ट नॉट वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स, दिस इज वैलिड फॉर एनी नंबर्स, मतलब एन नंबर्स के लिए भी हम ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ये तो दो नंबर्स की बात आई, अब हम मान लो एन नंबर्स की बात करते हैं कि एन नंबर्स के लिए हम कैसे देखें। तो मान लीजिए आपके पास एन पॉजिटिव नंबर्स हैं, मान लीजिए आपके पास एन पॉजिटिव नंबर्स हैं, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन, ऑल दीज नंबर्स आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक। तो इनके अर्थमेटिक मीन या एवरेज की हम बात करें, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इनका सम ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन अपॉन एन, ठीक, दैट इज देयर अर्थमेटिक मीन, कि ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन अपॉन एन। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, वॉट शुड बी देयर ज्योमेट्रिक मीन, ए वन इंटू ए टू अप टू ए एन की होल पावर वन बाई एन, दैट इज देयर ज्योमेट्रिक मीन। और हार्मोनिक मीन क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा रेसिप्रोकल्स के अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल। थोड़ा समझिए ध्यान से, रेसिप्रोकल्स के अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल।
तो इनके रेसिप्रोकल का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 1 अपॉन ए वन प्लस 1 अपॉन ए टू अप टू 1 अपॉन ए एन का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अपॉन एन। इसका रेसिप्रोकल हार्मोनिक मीन है, मतलब दिस शुड इक्वल टू 1 अपॉन एच एन, ये किसके बराबर है, 1 अपॉन एच एन के बराबर है। तो ये हमारे पास एन नंबर का अर्थमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है और ये मेरे पास हार्मोनिक मीन है। अब इनमें भी क्या रिलेशन है, क्या ब्रह्मास्त्र वाली इनइक्वालिटी है, ब्रह्मास्त्र वाली इनइक्वालिटी है अर्थमेटिक मीन शुड ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड शुड ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बड़ा या बराबर होता है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन के बड़ा या बराबर होता है। When this equality will hold, मतलब कब ये तीनों बराबर होंगे, तो स्पेशल रिमार्क बना के लिख लीजिए, equality will hold when all these numbers are equal, मतलब a1 is equal to a2 is equal to an, मतलब सारे के सारे नंबर इक्वल हैं, तब हमारे पास क्या होती है, इक्वलिटी होल्ड करती है, मतलब अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों इक्वल होते हैं। सही बात। तो ये तो बच्चों हमारे पास इनइक्वलिटी है। अब एलजेब्रा में मैं तो कहता हूँ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है और उसमें एलजेब्रा पूछी जाती है तो am, gm, hm इस इनइक्वलिटी के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मेरे ये स्टेटमेंट बोलने का मतलब आप इसकी इम्पोर्टेंस अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि इस टॉपिक की आखिर क्या इम्पोर्टेंस है। सही बात। चलिए अब इसके ऊपर प्रॉब्लम देखते हैं कि भाई इसके ऊपर प्रॉब्लम हमारे पास किस तरह की होती हैं, कि भाई किस तरह की हमारे पास इसमें प्रॉब्लम बनती हैं। जल्दी से फटाफट प्रॉब्लम देखते हैं। अब जैसे प्रॉब्लम में मान लीजिए हमारे पास ए बी सी ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ऑल दिज आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल दिस बिलोंग्स टू आर प्लस लिख देता हूँ, ठीक है, दीज आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो एग्जाम्पल नंबर वन है, शो दैट ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है कि ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कैसे शो करेंगे, ये तीन पॉजिटिव नंबर हैं, 1, 2, 3, तो ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए, इन तीन पॉजिटिव नंबर का अर्थमेटिक मीन इनका सम अपॉन 3, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन ए की होल पावर 1/3। सही बात। तो ये तो हो जाएगा 1, ये 3 आ जाएगा, हेंस प्रूफ लिख देता हूँ मैं यहीं पर। सही है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करता हूँ, ए बी सी वही पॉजिटिव नंबर है, शो दैट ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ए बी सी, कि ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए ये भी शो करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ए बी सी। तो इसको कैसे करते हैं, ए और बी इन दोनों में ए एम जी एम लगाया, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी से बड़ा होगा, तो ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, बी प्लस सी बाई टू शुड ग्रेटर देन इक्वल टू रूट बी सी और सी प्लस ए बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट सी ए। तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए अपॉन 8, ठीक, और यहाँ पे कितना आ गया, ए बी सी 8 को इधर ले गए, हेंस प्रो लड्डू एकदम, ये भी लड्डू। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। पहले मैं लड्डू लड्डू क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको पता है, फिर मैं बाद में अच्छे क्वेश्चन लूँगा इसमें, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसे कैसे शो करें, जैसे
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इन दोनों में ए एम जी एम लगाया, ठीक, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन ए बी से बड़ा होगा, सही बात। इसी तरह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लगाया ग्रेटर देन इक्वल टू बी सी, ठीक, इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा बी सी। इसी तरह मैंने किस पे लगाया सी स्क्वायर और ए स्क्वायर पे, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा सी ए, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आसान है काम, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फोर। एग्जाम्पल नंबर फोर में है, एग्जाम्पल नंबर फोर में शो दैट ए प्लस बी प्लस सी इंटू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन। ए प्लस बी प्लस सी इंटू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन, इसको कैसे शो करें। अब ए बी सी तीन नंबर हैं तो उनका ए एम ले लेते हैं और ए एम जी एच एम से, यहाँ पे क्या लिखते हैं ए एम एच एम से, तो ए बी सी तीन नंबर है ए प्लस बी प्लस सी, तो इनका अर्थमेटिक मीन कितना हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन थ्री, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कितना होगा थ्री अपॉन वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई वी हैव द आंसर, दिस इज प्रॉब्लम नंबर फोर। चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं, प्रॉब्लम नंबर फाइव की ओर बढ़ते हैं कि प्रॉब्लम नंबर फाइव क्या है। हाँ, प्रॉब्लम नंबर फाइव है इफ ए बी सी आर इन एच पी, लिख लीजिए इफ ए बी सी आर इन एच पी, ए बी सी आर इन एच पी एंड डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, एंड डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर डिस्टिंक्ट आर प्लस, देन शो दैट ए की पावर एन प्लस सी की पावर एन इज ग्रेटर देन टू बी की पावर एन। डिस्टिंक्ट है इसलिए इक्वलिटी नहीं आई है, ए की पावर एन प्लस सी की पावर एन इज ग्रेटर देन टू बी की पावर एन, ठीक। अब इसे कैसे कर सकते हैं, ए बी सी एच पी में है तो ए और सी का हार्मोनिक मीन बी है, बी क्या है ए और सी का हार्मोनिक मीन। अब ए और सी का हार्मोनिक मीन बी है, ठीक, तो ए की पावर एन प्लस सी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस सी की पावर एन, इनमें हमने ए एम जी एम लगाया, तो इन दो नंबर का अर्थमेटिक मीन अपॉन टू, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। ग्रेटर देन, इक्वलिटी की बात नहीं आएगी क्योंकि ये हमारे पास क्या है डिस्टिंक्ट नंबर है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा ए की पावर एन इंटू सी की पावर एन की पावर हाफ, मतलब रूट ए सी की पावर एन। अब रूट ए सी इनका ज्योमेट्रिक मीन है ए और सी का, और रूट ए सी किससे बड़ा होगा इनके हार्मोनिक मीन बी से बड़ा होगा, तो रूट ए सी की पावर एन बी की पावर एन से बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो ये इससे बड़ा हो गया। अब बस इसे इधर ले गए कि ए की पावर एन प्लस सी की पावर एन ग्रेटर देन टू बी की पावर एन, हैंस प्रूफ, यस और नो। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है जो मैं अब करा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर सिक्स। एग्जाम्पल नंबर सिक्स है कि ए की पावर माइनस फाइव, ए एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ए की पावर माइनस फाइव प्लस ए की पावर माइनस फोर प्लस थ्री ए की पावर माइनस थ्री प्लस वन प्लस ए की पावर एट प्लस ए की पावर टेन, इनकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, मतलब इस एक्सप्रेशन की हमें क्या बतानी है मिनिमम वैल्यू, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो मिनिमम वैल्यू बताने के लिए मिनिमम वैल्यू एक फिक्स वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, तो इसमें से हम ए एम जी एम इस तरह से लगाएं, जैसे ये एक्सप्रेशन तो ए एम में मिलेगा, हाँ या ना, तो जी एम इस तरह से लगाएं कि जी एम का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ जाए। तो देखो हमारे पास थ्री ए की पावर माइनस थ्री से तीन में ब्रेक कर लेते हैं,
तो ए की पावर माइनस फाइव प्लस ए की पावर माइनस फोर प्लस ए की पावर माइनस थ्री प्लस ए की पावर माइनस थ्री प्लस ए की पावर माइनस थ्री प्लस वन प्लस ए की पावर एट प्लस ए की पावर टेन, कितने नंबर हो गए? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो इन एट नंबर का अर्थमेटिक मीन, ठीक, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो ए की पावर माइनस में कितना हो गया? 18 इंटू वन इंटू ए की पावर 8 इंटू ए की पावर 10, तो कितना हो गया? 1 की पावर 1/8, मतलब विच इज 1। ठीक, तो 8 उधर आ गया, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस? मिनिमम वैल्यू विल बी 8। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8 आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। किसका और क्वेश्चन क्या हो सकता है? एग्जाम्पल नंबर 7 बच्चों देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है। लिखिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्ट फर्स्ट ए बी सी एंड पार्ट सेकेंड ए क्यूब बी स्क्वायर सी। कि ए बी सी की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है एंड ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब ए बी सी की निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी पता है ए बी सी, तो हम ए बी सी इन तीन नंबर पे क्या लगा दें? ए एम जी एम। तो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का अर्थमेटिक मीन इन तीनों के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 शुड ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी की पावर 1/3। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है? 3, 3 अपॉन 3 कितना हो गया? 1, और ए बी सी की पावर 1/3 क्यूब ले लिया तो ये 1 का क्यूब 1, तो ए बी सी इज लेस देन इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी? कि मैक्सिमम ऑफ दिस इज 1। ये तो लड्डू था, ठीक बात। अब ए क्यूब बी स्क्वायर सी कैसे करा जाए? अब देखो, ए क्यूब बी स्क्वायर सी की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और ए प्लस बी प्लस सी पता है, ठीक। ए क्यूब कब मिलेगा? जब 3 बार ए मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब हमें ए क्यूब मिलेगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ए को 3 टुकड़ों में ब्रेक कर लेते हैं, ए बाई थ्री ए बाई थ्री ए बाई थ्री, ठीक। तो ए बाई थ्री ए बाई थ्री ए बाई थ्री, भाई बना तो ए ही हमारे पास, बी स्क्वायर है तो बी को 2 टुकड़ों में चेंज कर लेते हैं, बी बाय टू प्लस बी बाय टू प्लस सी, कितने नंबर हो गए? 6। तो इन 6 नंबर का अर्थमेटिक मीन अपॉन 6, सही बात, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? दिस इंटू दिस इंटू दिस, ए क्यूब बी स्क्वायर सी अपॉन 3 क्यूब 2 की पावर 2 सही की पावर 1/6, कितने नंबर थे? 6। अब ऊपर तो मिला a प्लस बी प्लस सी विच इज नथिंग बट 3, तो ये हो गया 3 अपॉन 6 विच इज 1/2, तो 3 अपॉन 6 1/2। अब 1/2 की पावर मैंने होल पावर 6 भी कर लिया, सही। तो a क्यूब बी स्क्वायर सी अपॉन 3 क्यूब 2 स्क्वायर, ठीक। इसको इधर लेके गए तो यहाँ क्या बचेगा? 3 क्यूब ऊपर आ जाएगा 27, और यहाँ नीचे क्या बचेगा? 2 की पावर 4 विच विल बी 16। तो ए क्यूब बी स्क्वायर सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 27 की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी 27 अपॉन 16। सबको आई बात समझ में कि भाई कैसे हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं? हाँ या ना, यस और नो? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8, लास्ट इस लेक्चर का लास्ट, कि एग्जाम्पल नंबर 8 हम क्या देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है बच्चों हमारे पास? व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 8? एग्जाम्पल नंबर 8 है कि इफ n ग्रेटर देन 1, अगर n 1 से बड़ा है देन शो दैट 2 की पावर n ग्रेटर देन 1 प्लस n रूट 2 की पावर n माइनस 1।
अगर n 1 से बड़ा है और 1 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर है, n 1 से बड़ा है और n एक नेचुरल नंबर है, ठीक, तो 2 की पावर n 1 प्लस n इंटू रूट ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 से बड़ा है। अब इसको कैसे करा जाए यार? अब देखो, इसको करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 अप टू 2 की पावर n माइनस 1, ये n नंबर्स हैं, इन n नंबर्स में मैंने क्या लगाया, amgm, तो इनका अर्थमेटिक मीन कितना होगा, इन सब का सम अपॉन n, ठीक। अब ये बराबर तो हो नहीं सकते, ये तो अलग अलग होंगे, इसलिए हमारे पास इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, सिर्फ इनइक्वलिटी का साइन आएगा। तो 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 अप टू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n, ठीक। इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2, मैंने ऐड कर दिया कि होल पावर 1 बाई n, कि होल पावर 1 बाई n, सही बात। अब ये जो है ये जीपी का सम है बच्चों, क्या ये जीपी का सम, तो इस जीपी का सम कितना होगा, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज नथिंग बट क्या 1, और दैट शुड ग्रेटर देन n पावर लेंगे तो n n कट जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2, तो ये हो गया 2 की पावर n माइनस 1 का अंडर रूट। इस n को इधर ले गए, इस n को ये इक्वलिटी नहीं आएगी, ग्रेटर देन है, n को इधर ले गए तो 2 की पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन n रूट 2 n माइनस 1, इस 1 को भी इधर ले गए, 1 प्लस हो गया, हेंस प्रूफ। हाँ या ना बच्चों? तो ये बच्चों amgm पे मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन इनइक्वलिटी के कराए हैं, इतने सारे क्वेश्चन कराने का मतलब ही यही था कि ये इनइक्वलिटी खूब इंपॉर्टेंट है, IIT मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, JEE मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप इस इनइक्वलिटी पे एक अच्छी खासी ग्रिप बना सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोई फीडबैक है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच।